आज की वीडियो में मैं ऐसा प्रमाण दूंगा आपको, साक्षात प्रमाण दूंगा, सैम जू ने मारी दाणी, वीडियो भी दिखाऊंगा आपको वो कहानी के बीच में। और दोस्तों जो इसमें नास्तिक भाई बनते हैं जितने लोग, उत्तराखंड देव भूमि है और यहाँ पर देवताओं का चमत्कार सदियों से चला हुआ आ रहा है और तरह तरीके से हमारे देवता आज भी हमारे उत्तराखंड के नए जनरेशनों में आते हैं और अपने कुल की रक्षा करते और अपने बच्चों पर, और जिस किसी बच्चे ने अपने देवते को सक्षम बना दिया और जिसने अपने देवते की कृपा पाली तो उसके बराबर फिर कोई नहीं बन पाता दोस्तों। इसी में कि मेरी कहानी है कि कैसे सैम जू ने न्याय करा और किस तरीके से पूरा एक परिवार को इतना बड़ा दंड पड़ा कि वो पूरा परिवार कैसे कोड़ी हो गया, मैं आज की मेरी इस कहानी में आप देखना दोस्तों। हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो, जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों जो मेरी आज की सच्ची कहानी है बड़ी ही रोंगटे खड़े करने वाली है, किस तरीके से सैम जू ने अपना न्याय दिया और फिर वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना हुई है। और सैम जू से जितनी भी जुड़ी हुई वीडियो है आपको इधर उधर नहीं देखना है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह जिस किसी भाई ने मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं करा हो तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक में जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो और अपने स्थानीय देवी देवताओं की कहानी वगैरह कुछ भी, अगर आपको कोई प्रश्न वगैरह कुछ भी चलते हैं आप वहाँ पर रख सकते हो। मुझ जैसे कई विद्वान हैं वहाँ पर जो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और आपकी शंकाओं को दूर करेंगे, उन सबका प्रण यही है अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का। तो दोस्तों हर बार की तरह मैं अब इस बार की कहानी में बढ़ता हूँ। गरुड़ बागेश्वर में आज से पहले कुछ मतलब बहुत कम साधन वगैरह हुआ करते थे, अपने जीवन जो लोग व्यापन करते थे वहाँ पर वो पेड़ काट के, ये काट के और लकड़ियाँ करके, इस टाइप से हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग कुछ बोलो इसका व्यापार भी करते थे, इधर से ला के लकड़ी बेचा करते थे अपने अपने शहरों से, क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों में दे करते थे पहले से, दे व्यापार इसी चीज़ का चलता था, लकड़ियों का भी चलता था, खनन का बोलते थे। अब तो फिलहाल जंगलात की तरफ से काफ़ी रोक लग गई है इन चीज़ों में, लेकिन पहले हमारे बुजुर्ग लोग करते थे। तो एक गरीब परिवार गरुड़ बागेश्वर में रहता था और अपने दिन वहाँ व्यापन करते थे। तो ऐसे करते करते तल्ला बाखे होती थी, मल्ला बाखे होती थी, मल्ला बाखे के जो लोग थे तो वहाँ पर एक बांज का पेड़ था, बांज का पेड़ बड़ा पवित्र बोला जाता हमारे पहाड़ों में, तो वहाँ पर ये पूजा करा करते थे, वहाँ पर इनके घर के इष्ट रहा करते थे। तो वहाँ पर ये सैम जू की और वहाँ पर जो मंदिर में जो पूजा हुआ करती थी, जो मुख्यतः देवता थे वहाँ पर सैम जू थे, फिर दूसरे नंबर पर भनारी थे, फिर गोलू देवता, देवी माता, और जो मंदिर के बाहर से हुआ करते थे वो भैल देवता हुआ करते थे पहरेदार में। तो दोस्तों ये अपने घर के इष्ट को वहीं पूजा करते थे पेड़ पर, और वहाँ धीरे धीरे वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वहाँ भी हर कोई अपनी मन्नत मांगता था तो वहाँ से मन्नत पूरी होती थी, तो वो देवता का मंदिर वहाँ पर स्थापित कर दिया। और वहाँ पर बांज का पेड़ था तो जो जिनकी भूमि में था वो ऊपर वाले थे, तो उन लोगों ने कहा यार इनने हमारी जगह खराब कर दी है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये बांज का पेड़ जो भी है हम इसे काटेंगे। उनको लकड़ी की ज़रूरत पड़ी तो इनने वो बांज के पेड़ पर टिक मारा, अगले दिन वो बांज का पेड़ को काटने के प्रोसेस चालू कर दिया। जैसे इनने बांज के पेड़ को काटने की प्रक्रिया प्रारंभ करी, इनने लोगों को बुला के अपने अपने पुत्र को पकड़ा और अपना हो गए ये बांज का पेड़ को काटने लगे। जब इनने बांज का पेड़ काटा तो बोला जाता है जिस व्यक्ति ने काटा, तो जो काट रहा था उनका लड़का, पहले तो उसके टांग में वहीं लग गई थी, उसके टांग से खून वो आ गई वहीं बांस के पेड़ में। तो कई भगवान कभी भी संकेत देता है कि यार तुम मत करो इस चीज़ को, लेकिन जब आदमी अपनी जिद में होता है तो वो जिद्दी आदमी होता है तो वो कह के रहता मैं करके रहूँगा इस चीज़ को, तो
तो वो पेड़ काटते काटते तो उसने कहा अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और दड़ पाटा तो उसके भी बीच में बहुत सांस फूल रहा था, लेकिन उसने अंततः वो बांस का पेड़ काट दिया। बांस के पेड़ को गिलटे उल्टे बना बनू के अपना ला के और घर में लकड़ी लकड़ी जलाना प्रारंभ कर दिया और अपना खुशी। अब जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनको काफ़ी दुख हो गया, उन्होंने कहा यार हमारी पूजा करने का पेड़ काट दिया, हम कैसे रहे क्या करें, यहाँ तो हमारे देवता का वास। जिस व्यक्ति ने पेड़ काटा पहले तो उसका जो लड़का था उसकी तबीयत खराब हुई, बहुत ही तबीयत खराब हो गई लड़के की। और बाद में जो व्यक्ति का आदेश पालन जो हुआ था उसको क्या हो गया, कोड़ मार गया, कोड़ लग गया। उसके बाद उसने कई जगह दिखाया, कई जगह दिखा दिया, कई जगह अपनी पूछ कराई, हर जगह मतलब कहीं से कहीं दोष नहीं निकला। जब अंत था ये थक हार के उन्होंने कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो साला कोई बचने का भी उरा नहीं है और घर में पूरा ये हो रहा है, सारा दोष भी कहाँ से हो रहा है। तो इन्होंने क्या करा, अपने सारे गाँव वालों को दिखाया, उन्होंने कहा यार मुझसे कहीं गलती हुई है या कुछ भी हुआ है तो मुझे बताओ, कुछ तो होगा तभी तो मैं करूँगा। तो वहाँ से कुछ नहीं हुआ। ठीक उसके अगले दिन जब वहाँ पूजा का ये सारे चीज़ का वो करने लगे तो अगले दिन जिस पर भैल देवता आते थे वो नाचते हुए कहाँ पहुँचा, उन्हीं के घर में पहुँचा। और वहाँ नाचते नाचते वो बाहर से आया था बंदा और नाचते 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 इनके घर से बाहर से पूछा, उन्होंने कहा मेरा पेड़ किसने काटा बताओ, मेरा पेड़ किसने काटा, बांस का पेड़ किसने काटा मेरा। नकाय वो फिर नकाय उन्होंने हमारी भूमि पर था, उन्होंने कहा अब मैं यहाँ से तेरे को टाइम देता हूँ 10 दिन का 15 दिन का, अगर 15 दिन में तुम यहाँ से छोड़ छाड़ के नहीं गए तो ये समझ लेना ये भूमि कह रहे हो तुम्हें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी इस पूरे पृथ्वी में, कहीं भी चले जाओगे तुम्हें नहीं छोड़ेगा देवता, जाओ मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तो हमारी जगह थी, हमारे दादा परदादा, उन्हें दादा परदादा की थी इस जगह, तुम्हारे दादा परदादा की जब थी, मैं तो यहाँ का भूमि का देखता हूँ और मैं तो कई वर्षों से रहता हूँ, तुम्हारे दादा परदादा को भी अगर किसी ने शरण दी है तो मैंने दी है, मेरे शरण में थे वो। तो उन्होंने कहा यार प्रभु अब क्या हो सकता है, इसका सुधार क्या। उन्होंने कहा मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ या जो भी समझो आप, तुम यहाँ से चले जाओ 10 दिन के। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है तुम देख लेना। एक दिन बिचार, दूसरे दिन उसकी बहू की तबीयत खराब हुई, तीसरे दिन जो बेटा बीमार था वो भी बीमारी लंबा हो गया, चौथे दिन वो भी लंबा हो गया, उसको भी कोई से दिन वो भी लंबा हो गया और वो भी इतना तरह लंबा हो गया कि बीमार ही हो गया। तब फिर उनमें बहुत ही ज़्यादा वो हो गया, फिर उनने वहाँ पर जागर लगाई, जागर लगाने के बाद पूजा करी, पूजा करने के बाद जब वहाँ पर श्यामजू नाचे उन्होंने कहा भैया मैं तो सीधा साधा जोगी हूँ, ना मैं किसी पर लगता हूँ, फुल मन जोगी हुआ, जो जिसने दे दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला, बाकी जिन जिन को बुरा लगा है तुम गोयल को पूछ लो, भनेरे को पूछ लो, भैल को पूछ लो, मेरे ये सारे खुश हो जाएंगे तो मैं तो खुश ही हूँ। तब जाके इनने सब देवता लोगों को माना और सब लोगों की पूजा करी, पूजा करने के बाद फिर इनसे बचन लिया, बचन लेने के बाद फिर ये अपनी भूमि वहाँ से छोड़ छाड़ के कहाँ आए, प्लेन्स में अपना इधर चले गए, वहाँ से सब जगह छोड़ गए। तब बोला जाता फिर धीरे 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 इनकी स्थिति सुधरी और जो वहाँ मंदिर था वो मंदिर का फिर वहाँ पर लिंग रूप में स्थापित करा और जो सभी देवी देवताओं की मूर्ति वगैरह बनाई। अंत में वर्तमान समय में वहाँ पर अभी फिर मंदिर का पुनः निर्माण करा गया है और नई मूर्ति लगा के और वहाँ पर अब बैसी लगती है, 84 लगती है श्याम जू की, गोल जू की। बोला जाता है अभी वर्तमान समय में 2023 में जब वहाँ पर झंडारोहण हुआ था तो वो पेड़ में अटक गया, वो नीचे नहीं आ पाया। तो श्यामजू जो गोलजू के डंगरिये थे, जो गोलजू देवता थे, वो नाचते 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 बाहर को गए। श्यामजू ने मारी दाणी, ऊपर से नीचे से दाणी मारी तो दोस्तों जितने लोग थे वो सब देखते रह गए। तो वो अपना भी झंडा कि मानो कोई व्यक्ति उसे पकड़ के हवा से बेग से
आज भी हमारे सैम जो हो गए, गुल जो हो गए और उनके जितने भी भाणिज भूणिज हो गए, सब उत्तराखंड में न्याय कर रहे हैं और अपना न्याय का परचम फैलाया हुआ है दोस्तों सब जगह। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी और कहानी में यदि मुझसे कहीं पर टूटी या कमी कुछ भी रह गई होगी दोस्तों, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों आप सभी।